रेवाड़ी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 9 वर्षीय बच्ची के साथ में एक युवक ने घिनौनी हरकत की। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अभी आरोपी का ये पता नहीं लग पाया है कि आरोपी कौन है और कहां का रहने वाला है। पुलिस में जो शिकायत पीड़ित परिवार ने दी है, उसमें ये बताया गया है कि वो दोनों मजदूरी का काम करते हैं, मोल टाउन थाना क्षेत्र के इलाके में रहते हैं। उनकी 9 साल की बेटी है और 7 साल का बेटा है, और उनके दोनों बच्चे पड़ोस की एक दुकान में सामान लेने गए हुए थे, जहां एक युवक ने उसके बेटे को धमकाकर घर भेज दिया और उनकी 9 साल की बच्ची को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की। जब वो घर वापस लौटे तो बच्ची ने पूरी आबीती परिवार को बताई, जिसके बाद में दुकान पर जाकर पूछताछ भी की गई, लेकिन आरोपी युवक का कोई पता नहीं लग पाया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तफ्तीश की जा रही है और जल्द आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में राजस्थान की रहने वाली कोई मजदूर परिवार यहाँ रह रहे हैं हमारे थाना क्षेत्र की सीमा में, तो उसकी लड़की है 9 साल की लड़की के साथ कोई MP का रहने वाला है, जिसका नाम पता नामालूम वो व्यक्ति है, लड़का है, जो किसी के यहाँ निजी तौर पर पियन है। उसने लड़की के साथ वो सामान लेने के लिए गई थी। लड़की जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसका भाई छोटा जिसकी उम्र 7 वर्ष है, सामान लेने के लिए गए थे परचून की दुकान पर। तो उस लड़के ने, जो नाम पता मालूम लड़का जो MP का रहने वाला है, उसने लड़की के साथ बाथरूम में ले जाकर गलत काम किया और उसके छोटे भाई को वहाँ से भगा दिया और लड़की को जान से मारने की धमकी दी। इस अवैध में हमारे पास ये दरख्वास्त आई थी, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। जिन धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है वो 342, 506 और 6 पोस्को एक्ट दर्ज किया है।